हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बेटा, हमने जूलॉजी के दो पेपर पढ़ लिए थे। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर अपने कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपन तीसरा पेपर स्टार्ट करने आ रहे हैं। तो तीसरा पेपर है इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, प्रतिरक्षा विज्ञान, सूक्ष्म जैविकी और जैव प्रौद्योगिकी, जिसका सेक्शन फर्स्ट आज हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर फर्स्ट, सेक्शन फर्स्ट का जो चैप्टर फर्स्ट है इम्यूनोलॉजी एंड इंट्रोटेक्शन, प्रतिरक्षा विज्ञान एक परिचय, प्रतिरक्षा विज्ञान एक परिचय। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक आता है इम्यूनिटी सिस्टम। इम्यूनिटी सिस्टम या प्रतिरक्षा तंत्र। देखिए, प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है? ठीक है, हमारे शरीर में पाए जाने वाला वह तंत्र जो विभिन्न रोग कारकों को नष्ट कर शरीर की विभिन्न रोगों से सुरक्षा करता है तो वह तंत्र प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यूनिटी सिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो हमारे शरीर में पाए जाने वाला वह तंत्र जो विभिन्न रोग कारकों को नष्ट कर शरीर की विभिन्न रोगों से सुरक्षा करता है, उसे ही इम्यूनिटी सिस्टम या प्रतिरक्षा तंत्र कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी या प्रतिरक्षा विज्ञान। इम्यूनोलॉजी या प्रतिरक्षा विज्ञान, देखिए प्रतिरक्षा विज्ञान क्या होती है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रतिरक्षा तंत्र की या इम्यूनिटी सिस्टम की प्रतिरक्षा तंत्र के निर्माण व उसकी कार्य प्रणाली व प्रकारों का अध्ययन किया जाता है, तो वह शाखा इम्यूनोलॉजी या प्रतिरक्षा विज्ञान कहलाती है। देखिए, प्रतिरक्षा विज्ञान क्या होती है कि विज्ञान की वह शाखा जो प्रतिरक्षा तंत्र के निर्माण, उसकी कार्य प्रणाली व उसके प्रकारों का अध्ययन करती है, तो वह शाखा प्रतिरक्षा विज्ञान या इम्यूनोलॉजी कहलाती है। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है जो प्रतिरक्षा विज्ञान है, इसकी शुरुआत कैसे हुई है? तो इसका सबसे पहले अपन इतिहास देखते हैं कि धीरे धीरे प्रतिरक्षा विज्ञान बना कैसे है। तो प्रतिरक्षा विज्ञान का इतिहास या इसकी हिस्ट्री, देखिए इसका इतिहास है वो धीरे धीरे जो वैज्ञानिक खोज करते गए हैं और वैज्ञानिक खोजों के आधार पर ही प्रतिरक्षा विज्ञान का निर्माण हुआ है। देखिए, कौन कौन से वैज्ञानिक हैं, उनके द्वारा क्या क्या खोजें की गई हैं या क्या क्या किन किन रोग कारकों को खोजा गया है तथा उनके रोगों का उपचार किया गया है। ठीक, तो सबसे पहले एडवर्ड जेनर के द्वारा सबसे पहले प्रतिरक्षी टीके की खोज की गई थी। और इन्होंने गोचेचक टीके की खोज की थी। तो एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले प्रतिरक्षी टीके की खोज की थी। उसके बाद जो लुई पास्चर के द्वारा भेड़ों के अंदर होने वाले रोग एंथ्रिक्स, भेड़ों में होने वाले रोग एंथ्रिक्स व
मुर्गियों के अंदर होने वाले रोग, मुर्गियों में होने वाले रोग चिकन कोलेरा की खोज की गई थी। तो लुई पास्टर के द्वारा भेड़ों में होने वाले रोग एंथ्रेक्स व मुर्गियों में होने वाले रोग चिकन कोलेरा रोग की जो खोज है वो लुई पास्टर के द्वारा की गई थी। साथ ही जो लुई पास्टर है, लुई पास्टर ने रेबीज के टीके की भी खोज की थी। और लुई पास्टर को प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक या फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी है वो लुई पास्टर को कहा जाता है। ठीक है, और लुई पास्टर ने भेड़ों में एंथ्रिक रोग और मुर्गियों में चिकन कोलेरा रोग की खोज की। साथ ही रेबीज के टीके का निर्माण भी इसके द्वारा किया गया था और इसी कारण जो लुई पास्टर है इसको प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। उसके पश्चात रॉबर्ट कोक ने तपेदिक रोग के रोगजनक माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस की खोज की। रॉबर्ट कोक ने तपेदिक रोग के रोगजनक माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की खोज की तथा इस तपेदिक रोग का सफल उपचार भी किया था। उसके पश्चात पोल एहरालिक ने बताया कि माता से शिशु के अंदर प्रतिरक्षा का स्थानांतरण होता है। पोल एहरालिक ने बताया कि माता से शिशु के अंदर प्रतिरक्षा का स्थानांतरण होता है। तो तथा जो पोल एहरालिक है, इस पोल एहरालिक ने एलर्जन का स्राव करने वाली मास्ट कोशिकाओं की भी खोज की थी। ठीक है, पोल एहरालिक ने एलर्जन का स्राव करने वाली मास्ट कोशिकाओं की भी खोज की थी। ठीक है, और ये जो मास्ट कोशिकाएं हैं, ये शरीर के अंदर वसा स्तर या एडिपोज उत्तक के नीचे पाई जाती है। एडिपोज उत्तक या वसा स्तर के नीचे मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कार्ल लैंड स्टीनर ने आरएच कारक व रक्त समूह की खोज की। कार्ल लैंड स्टीनर ने आरएच कारक व रक्त समूह की खोज की। उसके बाद एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा सर्वप्रथम प्रतिजैविक औषधि पेनिसिलिन की खोज की गई थी या पेनिसिलिन का जो निर्माण है वो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। तो इस तरह से अनेक खोजों के द्वारा प्रतिरक्षा विज्ञान का निर्माण हुआ था। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले प्रतिरक्षी टीके की खोज की और इसने गोचेचक टीके का निर्माण किया था।
लुई पास्टर ने भेड़ों के अंदर होने वाले एंथ्रिक्स व मुर्गियों के अंदर होने वाले चिकन कोलेरा रोग की खोज की थी तथा लुई पास्टर ने ही रेबीज के टीके की खोज की थी, इसीलिए लुई पास्टर को प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कहा जाता है। रॉबर्ट कोक है, रॉबर्ट कोक ने तपेदिक रोग के रोगजनक माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की खोज की थी तथा तपेदिक रोग का सफल उपचार भी किया था। पॉल एनालिंग ने सबसे पहले बताया कि माता से शिशुओं के अंदर प्रतिरक्षा का स्थानांतरण होता है तथा इसके अलावा जो पॉल एनालिंग ने एलर्जन का स्राव करने वाली जो मास्ट कोशिकाएं हैं उनकी भी खोज की थी और ये जो मास्ट कोशिकाएं हैं ये एडिपोज उत्तक या फिर वसा स्तर के नीचे पाई जाती है। कार्ल लैंड स्टीनर ने RH कारक या रक्त समूह की खोज की। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सर्वप्रथम प्रतिजैविक औषधि पेनिसिलिन की खोज की थी। ठीक है, तो ये तो हो गया जो इम्यूनोलॉजी है या प्रतिरक्षा विज्ञान है उसका इतिहास। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता हमारा प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी। देखिए इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा क्या होती है, हमारे शरीर की किसी भी रोग कारक जीवों के प्रति लड़ने की जो क्षमता होती है, शरीर की रोग कारक जीवों से लड़ने की जो क्षमता है वो ही प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी कहलाती है। शरीर के रोग कारक जीवों से लड़ने की क्षमता प्रतिरक्षा कहलाती है। प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द इम्यूनिस से हुई है और जिसका अर्थ होता है बोझ से मुक्ति। ठीक है, इम्यूनिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द इम्यूनस से मानी जाती है जिसका अर्थ होता है बोझ से मुक्ति। अर्थात जो प्रतिरक्षा है वो हमारे शरीर को रोगों से बचाती है या उन रोगकारक जीवों को नष्ट करके हमारे शरीर को सुरक्षित रखती है। ठीक है, तो इम्यूनिटी शब्द की उत्पत्ति इम्यूनिस शब्द से मानी जाती है जिसका अर्थ बोझ से मुक्ति होता है। प्रतिरक्षा या जो इम्यूनिटी है ये दो प्रकार की होती है। नंबर एक सहज प्रतिरक्षा और सेकंड है उपार्जित प्रतिरक्षा। ठीक है, सहज या स्वाभाविक प्रतिरक्षा, सेकंड है उपार्जित प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा है, यह प्रतिरक्षा जन्मजात होती है। सहज प्रतिरक्षा है, यह जन्म से प्राप्त होती है, इसलिए यह जन्मजात होती है। इसको प्राकृतिक
प्रतिरक्षा भी कहते हैं। सहज प्रतिरक्षा जन्म से ही प्राप्त होती है, इसलिए इसे जन्मजात या प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी कहा जाता है। ठीक है, अब जो सहज प्रतिरक्षा है, इस सहज प्रतिरक्षा में कुछ ऐसे अवरोध होते हैं, सहज प्रतिरक्षा में कुछ ऐसे अवरोध होते हैं, ये अवरोध या तो रोगकारक जीवों को शरीर में प्रवेश न करने देते हैं, प्रवेश करने से रोकते हैं, या फिर अगर कोई रोगकारक जीव शरीर में प्रवेश कर गया तो उसे नष्ट कर देते हैं। रोगकारक जीव प्रवेश करने के पश्चात उसको नष्ट करते हैं। सहज प्रतिरक्षा है वो जन्मजात होती है, यानी कि माता पिता से प्राप्त होती है, तथा जन्मजात होने के कारण इसको प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी कहा जाता है। सहज प्रतिरक्षा के अंदर अनेक अवरोध आते हैं और ये अवरोध रोगकारक जीवों को शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकते हैं, या कोई रोगकारक जीव शरीर में प्रवेश कर जाता है तो उसको प्रवेश करने के पश्चात भी नष्ट करते हैं। तो अब ये जो अवरोध है ये भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे नंबर एक आता है भौतिक अवरोध। देखिए शरीर के अंदर सबसे बड़ा जो भौतिक अवरोध है वो होती है त्वचा। शरीर में सबसे बड़ा जो भौतिक अवरोध है वो त्वचा होती है। त्वचा अनेक रोग कारकों को शरीर में प्रवेश होने से ही रोक देती है। त्वचा है ये पूरे शरीर को आवरित करती है और पूरे आवरित करने के कारण ये अनेक रोग कारकों को शरीर में प्रवेश होने से रोकती है। सेकंड जो भौतिक अवरोध है वो है म्यूकस स्तर, या श्लेष्म स्तर। देखिए जो शरीर के अंदर अनेक जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं, व प्रवेश द्वार होते हैं, इनके ऊपर म्यूकस स्तर या श्लेष्म की परत पाई जाती है, और इस श्लेष्म की परत के अंदर जो श्लेष्म होता है जिसके अंदर जो रोगकारक जीव है वो फंस जाते हैं, और मर्द जो रोगकारक जीव है उस श्लेष्म में फंस जाते हैं और फंसने के कारण ये वहीं पर ही मर जाते हैं। ठीक है, तो पहला भौतिक अवरोध थी त्वचा। त्वचा किसी भी रोगकारक को, तो कोई भी रोगकारक है उसको शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकती है। म्यूकस स्तर है शरीर पर उपस्थित जो सूक्ष्म छिद्र प्रवेश द्वार होते हैं वहां पर पाए जाते हैं। ठीक है, और तथा म्यूकस स्तर के अंदर रोगकारक जीव है वो फंस जाते हैं। नंबर तीन है जो खांसने और छींकने की क्रिया है, खांसने व छींकने से अनेक जो रोगकारक है वो मर जाते हैं। खांसने व छींकने से अनेक रोगकारक है वो तो या तो मर जाते हैं या शरीर से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये तो था पहला भौतिक अवरोध। नंबर दो आता है रासायनिक अवरोध। रासायनिक अवरोध में फर्स्ट है पाचन तंत्र। ठीक है, अब अपने को पता है कि हमारा जो अमाशय है उस अमाशय के द्वारा, इन आहार नाल का जो अमाशय भाग है उसके द्वारा HCl का स्राव किया जाता है। ठीक है, जब कोई रोगकारक भोजन के साथ अमाशय में पहुंचता है तो ये HCl इन अमाशय के द्वारा जो स्रावित जो HCl है ये उस रोगकारक को नष्ट कर देता है। ठीक है, सेकंड है बी त्वचा ग्रंथियां। देखिए हमारी जो त्वचा है इस त्वचा के ऊपर अनेक श्वेत ग्रंथियां, व तेल ग्रंथियां, पाई जाती है। त्वचा के ऊपर अनेक श्वेत ग्रंथियां व तेल ग्रंथियां पाई जाती है। श्वेत ग्रंथियों के द्वारा पसीने का स्राव होता है, मतलब कि तेल ग्रंथियों के द्वारा तेल का स्राव होता है।
जो त्वचा पर उपस्थित जो रोग कारक है उनको नष्ट करने का कार्य करती है। त्वचा पर उपस्थित जो रोग कारक है उनको नष्ट करने का कार्य करती है। तीसरा जो रासायनिक अवरोध है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। देखिए हमारे शरीर के अनेक भाग जैसे कि लार, मुंह के अंदर उपस्थित जो लार है, अश्रु व नासिका स्राव, लार अश्रु व नासिका स्राव इनके अंदर लाइसोजाइम उपस्थित होता है जो रोगकारक जीवाणु को नष्ट करने का कार्य करता है। ठीक है, नंबर चार यदि पोर्फायरिन, जो रक्त सीरम है, इस रक्त सीरम में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है जिसे पोर्फायरिन कहा जाता है। यह पोर्फायरिन जो प्रोटीन है ये रोगकारक जीवों को नष्ट करने का कार्य करती है। लास्ट है इंटरफेरोन, इंटरफेरोन। देखिए जब कोई रोगकारक हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो रोगकारक शरीर में प्रवेश करने पर जो हमारी कोशिकाएं हैं इन कोशिकाओं के द्वारा ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन का स्राव किया जाता है। कोशिकाओं के द्वारा विशेष प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन का स्राव किया जाता है। यह ग्लाइको जो प्रोटीन है इसे ही इंटरफेरोन कहा जाता है जो विषाणुओं के गुणन को या विषाणुओं की संख्या में वृद्धि होने से रोकती है। ठीक है, तो ये तो थे दूसरा जो अवरोध था रासायनिक अवरोध। ठीक है, तो हमने आज पढ़ा था थोड़ा सा प्रतिरक्षा के बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।